के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सब हैरियत से होंगे। तो भाई बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि हमें इनके रेट भी बता दीजिए जो आपके पास जैपनीज हीटर आते हैं लॉट में। तो भाई आज मैं आपको जो है इन सब हीटर, जितने भी हमारे पास ये वाले हीटर आते हैं, इन सब का रिव्यू दूंगा। तो और इसमें जो इतने भी हमारे पास हीटर आते हैं उसके प्राइस वगैरह भी इसी वीडियो में मेंशन करते हैं और इसके वोल्टेज वगैरह भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारे पास जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि भाई ये हमारे पास आता है 1.7 किलोवाट में, जिसपे आप देख सकते हैं ये एलपीजी लिखा हुआ है। तो एलपीजी से आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये जेन्युइन पीस आते हैं जो भाई एलपीजी पे यूज़ करना चाहते हैं। तो एलपीजी वाले हीटर भी हमारे पास आते हैं इसी तरह जेन्युइन कंडीशन में। तो इसमें ये कि आप लोग जेट भी चेंज कर सकते हैं और जेट के बगैर जो है जेन्युइन भी हमारे पास आते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ जो 110 का अडाप्टर लगता है, क्योंकि ये बेसिकली जैपनीज होते हैं तो जापान में जो है 110 वोल्ट होती है। तो 110 वोल्ट पे अगर यहाँ पे हम पाकिस्तानी हमारे जो वोल्टेज हैं वो 220 है, वहाँ पर 220 पे अगर हम लगाते हैं तो ये जल जाते हैं, इसके फ्यूज जैनर वगैरह VDR वगैरह जो भी हैं वो जल जाते हैं, तो उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है। तो एहतियात के लिए जो है उसके साथ वो 110 का एक अडाप्टर लगाया जाता है, जो कि हमने इस हीटरों में जो है वो बिल्ट इन भी इसमें फिटिंग वगैरह की होती है। तो इसमें 1.7 अगर हम आपको बताते चलें कि इसके वोल्टेज कंजम्पशन जो होती है वो 15 से 16 वॉट जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है और गैस की कंजम्पशन बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। तो इसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ मॉडल आप देख सकते हैं। 1.7 अगर आप लेते हैं तो 1.7 की जो प्राइस है वो 8,000 से लेके 10,500 तक रेट जाती है। उसमें अगर 2.4 किलो वाट का जो हमारे पास आता है, यहाँ पे 2.4 किलो वाट के मुख्तलिफ हमारे पास जो है मॉडल ब्रांड वगैरह आप देख सकते हैं। ब्रांड तो है इसी में तीन ब्रांड आते हैं, रेनाई, टोक्यो, ओसाका। लेकिन कंपनी आपको बताता चलूं कि ये तीन कंपनी जो तीन ब्रांड आते हैं जापनी, ये सेम चीज़ होती है, लेकिन कंपनी वालों ने जो है सिर्फ इसके ऊपर ब्रांड जो है वो चेंज किया होता है, इसके ऊपर जो ब्रांड होता है वो चेंज किया होता है, बाकी सेम चीज़ होती है। तो इसमें जो है 2.4 की जो प्राइस है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 10,500 से लेके 16,500 तक। उसमें मुख्तलिफ प्राइस और मुख्तलिफ किस्म के मॉडल आते हैं, साइड पैनल आता है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि सर्दी की जो शिद्दत है वो मजीद बढ़ती जा रही है, तो लोगों का जो रुख है वो ज़्यादातर जो है वो रूम हीटर की तरफ है। तो भाई आपको सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये जैपनीज चीज़ है, बिल्कुल सेफ़ हीटर होते हैं, इसमें कोई हादसा वगैरह इस तरह कोई इसमें नहीं होता, बिल्कुल सेफ़ हीटर होते हैं। इसमें आप टाइमर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें लॉक लगे होते हैं, इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ऑक्सीजन सेंसर भी लगे होते हैं, आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं, ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हम यही रिकमेंड करते हैं कि रात को सोने से पहले इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई इसमें जो है हमारे पास ये आज जो हमारे पास मॉडल आया है, इसमें पहले भी हमारे पास काफ़ी मॉडल आते थे, लेकिन आज जो हमारे पास ये वाला मॉडल फिर से आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो बॉर्डर बंद हुए थे, तो इसी वजह से हमारे पास माल नहीं आता था। तो ये हमारे पास जो है वो एयर फिल्टर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एयर फिल्टर से आपको बताता चलूं कि एयर फिल्टर जो होता है ये आपके रूम की जो डस्ट वगैरह होती है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है। और यहाँ पे आप इसके ब्रांड वगैरह देख सकते हैं रेनाई, और इसके ऊपर लिखी हुई जो लैंग्वेज है वो जैपनीज है। इसे आप जो है गूगल ट्रांसलेट ऐप से जो है वो गूगल ट्रांसलेट करेंगे जैपनीज टू इंग्लिश करेंगे, तो इसकी जो है जितनी भी ये लैंग्वेज लिखी हुई है ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें ये रेनाई ब्रांड भी आप देख सकते हैं, इसका मॉडल वगैरह भी आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि ये इसका एयर फिल्टर है जो आपके रूम में जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो आपके जो है डस्ट वगैरह क्लीनिंग वगैरह करता है। और इसमें आपको बताता चलूँ कि कोई एक्स्ट्रा जो है वो रॉड वगैरह नहीं जलता, इसमें सिंपल सी जो है वो अंदर एक इसकी प्लेट लगी होती है जो गैस बर्नर की वजह से जो है वो हीट होती है। और इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो है वो ब्लोअर लगा होता है जिससे आपकी जो है वो हीटिंग होती है। जिस तरह आप इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं सेम उसी तरह इसकी हीटिंग होती है, इसकी कोयलें वगैरह जितनी भी फिंजें होती हैं वो अंदर हीटअप होकर बाहर जो है इसकी जो है वो हीटिंग होती है ब्लोअर के थ्रू। तो इसी तरह जो है हमारे पास जो एयर फिल्टर में आते हैं इसमें एक रेनाई ब्रांड आता है, उसी के साथ मैं आपको ये दूसरा हीटर जो है एयर फिल्टर में बताता चलूं कि ये इसका ब्रांड आप देख सकते हैं ये टोहो गैस का है, लेकिन इसके ऊपर लिखी हुई जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल जैपनीज है, जैपनीज जो है इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ ये एक और जो है इसमें मॉडल है टोहो गैस का, इसका भी आप मॉडल वगैरह देख सकते हैं, उसी के ऊपर भी सेम बटन स्पेस जो भी इसकी लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है सेम लिखी हुई है। और तीनों के
के जो है वो शेप कंडीशन वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल ही सेम कंडीशन है। और अगर मैं आप इसको जो है वो वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज की जो कंजम्पशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बिल्कुल जो है कम कंजम्पशन होती है, वो मैं आपको जो है वाजे तरीके से जो है इसके बैक साइड पर आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं इसी तरह जो है इसमें आपको बैक साइड पे इसकी कंजम्पशन वगैरह जितनी भी है, रेटेड इनपुट करंट जितना भी होता है, आउटपुट जितना करंट होता है, वो भी आपको इसमें चेक करवाता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जैपनीज हीटर हमारे पास आता है, इसके बैक साइड पे ये लगा हुआ आप ब्लैक कलर का फिल्टर यहाँ पे देख सकते हैं। इस फिल्टर को कुछ नहीं करना होता है इसके तो इसी तरह जो है इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको जो है इसका फिल्टर जो एक लगा होता है, ये आपको जो है वो वीकली या मंथली आपको जो है वो डस्टिंग इसमें होती है, तो वो आपको जो है वो साफ करना होता है पानी में। और इसमें जो है ये लगा हुआ आप यहाँ पे एयर फिल्टर वाला ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, ये जो आपके रूम में जितनी भी एक्स्ट्रा डस्टिंग वगैरह या इसमें जितनी भी डस्ट होती है आपके रूम में, वो बिल्कुल क्लियर कर देता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ इसके कंजम्पशन वगैरह, तो यहाँ पे आप इसकी ये एक जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे एक इसका स्टिकर लगा हुआ है, तो स्टिकर को आपको पढ़ने के लिए जो है आप रीड इसे कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू। और साथ ही साथ मैं आपको अगर बताता चलूँ इसकी कंजम्पशन वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो तकरीबन इसके वोल्टेज वगैरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये नेचुरल गैस का हीटर है, हमारे पास अप मॉडल में आया है ये, इसकी यहाँ पे एक गैस नोजल लगी होती है जहाँ पे आपको जो है वो गैस का कनेक्शन करना पड़ता है। और ये जो आपका इसका शू देख सकते हैं, यहाँ पे आपने जो है 110 का जो एडाप्टर होता है वो सिंपली आपने इसमें लगा देना है, तो यहाँ पे जो है ये हीटिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है हमारे पास आए थे जो है वो फैन इसमें जो है डस्टिंग वाले जो है हमारे पास हीटर आए थे एयर फिल्टर में। तो ये जो भाई आपको बताता चलूँ कि इसकी भी प्राइस जो है तकरीबन 14,500 से लेके 17,500 तक, इसमें भी मुख्तलिफ साइज हमारे पास आते हैं, तो ये भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के लिए नीचे में डिस्क्रिप्शन में आल पाकिस्तान में जितने भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांचेस हैं आप यहाँ पे जो है वो खरीद भी सकते हैं और ऑनलाइन जो है ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और आप मेरे अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारे पास जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट आती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।